गुड मॉर्निंग। सो कैसे फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं आपको दोस्त शौर्य, और आज हम अभी गुरुग्राम में ही हैं, अभी गए नहीं हैं हम घर, क्योंकि नाइट में भी हाफ मतलब पोस्टर वगैरह होर्डिंग वगैरह लगे थे। अभी होर्डिंग हाफ आज लगने का है, तो फिर इसलिए मुझे रुकना ही पड़ा। मैंने सोचा कि वह सारा काम निपटा लेते हैं, इसके बाद अभी शायद हमें यमुनानगर जाना है, तो उसके बाद मैंने सोचा पहले काम कुम सारा निपटा देते हैं, उसके बाद ही एक साथ ही हम माधवीनगर चलेंगे। काजल अभी सो रही है क्योंकि वो सुबह सोई है, पूरी शिफ्टिंग वगैरह करवा के 7:30 काजल सोई है। अपनी फ्रेंड की पूरी शिफ्टिंग वगैरह करवा के वो सब कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक रनिंग पे भी गई थी वो, तो मैं भी उठ गया हूँ। ये मैडम सो क्यों कहाँ पे क्यों? तो ठीक है, काजल ने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं अभी अब मैं माधवीनगर रहूंगा, काजल यहीं रहेगी। और आज काजल ने नहीं बनाया, स्वाति ने बनाए हैं छोले राइस। काजल ने एक बहुत ही बड़ा काम किया, क्या चॉपिंग की है। क्या हुआ? मुझे जाने का मन नहीं कर रहा। क्यों? एक्चुअल में काफी घर स्पेशियस है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर स्टूडियो का मतलब जो भी चीजें होती है यहाँ पे हम आराम से शिफ्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर आगे, लेकिन वो ये बॉम्बे में जाने का है तो अभी शायद पॉसिबल। देखो गाइस क्या होता है, घर में दिखाता हूँ वैसे इन्हें। ये घर सिर्फ और सिर्फ है कितने का? 18,000 में। ये है 3 BH, पूरे बड़े बड़े रूम। हाँ फर्निश तो है, दो रूम में AC लगा हुआ है, ये भी रूम वो भी रूम, तो 3 BH का सेमी फर्निश्ड है। ये फुली फर्निश्ड नहीं है, काजल? मैं कह रहा फुली फर्निश्ड नहीं है, वॉशिंग मशीन वगैरह थोड़ी ना। अच्छा हाँ, फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है। सो लंच हो गया हमारा, अभी ऑलरेडी काफी लेट हो गए, 6:15 की मेरी क्लास है। इस मैडम ने 5:30 यहीं बजा दी है, और इसकी साड़ी मार के लेके जा रही है ये वाली, और बैग भी इसका मार के लेके जा रही है, और ये कुछ और भी क्या और ये लड़की ने ये सीड्स वगैरह ले रखे हैं लेकिन ये खाती नहीं है, जैसे ये धीरी का पम्पकिन सीड, ठीक है। ये मतलब जनरली मैं बताता हूँ, हमारे जो इंडियंस गर्ल्स जो मेजोरिटी में अगर मैं बात करूँ डाइट के लिए, तो ऐसे अगर उन्होंने स्टार्ट करना है तो ऐसा बोलेंगे चलो ठीक है मैं ये करूंगी, अब मैं वो करूंगी, ये प्रोडक्ट ये जार वो जार, ये प्रोटीन वो प्रोटीन। सबसे बड़ा एग्जांपल देवियों की देवी काजल देवी, ठीक है। फाइनली मतलब शी हैज स्टार्टेड हर वर्कआउट, आज वो दिन आ गया था सुबह, ताकि उसने मतलब गुरुग्राम में आके भी अपना मॉर्निंग में वर्कआउट स्टार्ट किया था। जस्ट बिकॉज ऑफ, बिल्कुल नहीं इसकी वजह से नहीं, ये खुद ही मतलब इसका पेट ऐसे पूरा नहीं, ए गिरा दी सीट सारी, तो इसका पेट वैसे ही निकला हुआ है, ठीक है। ये बंदी ने स्टार्टिंग में जब आ रही थी मैं ठीक है अब मैं डाइट में जाऊंगी प्रॉपर, ये सीड्स वगैरह लूंगी। इस मैडम ने ये सीड लिया है, उसके बाद ये वाले सीड स्पाइस सीड, ठीक है, देन फिर ये। लेकिन एक बात बोलू स्वाति, हमारे मतलब ये ग्रैंडपा वगैरह ये सब उनके जमाने में ये चीजें बोलते थे, ये क्या खा रहे हैं, उनके जमाने में कहते थे ये फेंकते थे हम वो चीजें, ये आज के टाइम में यही काफी मतलब इतनी महंगी मिलती हैं ये चीजें सारी, बीज वगैरह खरबूजे के बीज वगैरह ये सब जो चीज होती है। इसने ये भी टपा लिया इसका कसम से, मतलब ये इसे जो मिल रहा है इसे पता है कि ठीक है कल शिफ्टिंग हुई है कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा, अच्छा अच्छा कुछ ले लूंगी, तो इस मैडम का ये काम है। क्या सारे तो दो लॉकर में रखती है चीजें, इतना बड़ा लॉकर भी नहीं है, सारी चीजें लॉकर में रखती। तो फिलहाल मैं ये अपने सीड्स वगैरह ये सब भर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए काफी हेल्दी है, ये तो खाएगी नहीं। तो सलीम बोर्ड के लिए अभी तार काट रहा है, और अभी हम होर्डिंग वगैरह लगाएंगे यहाँ पे, और काजल ऊपर है अपने सबसे 5th फ्लोर में सुधांशु के साथ, तो आज क्या गप्पे मार रहे हैं ये लोग। 10:30 बज गए, 8 बजे से वेट कर रहा हूँ मैं कब जाके ये होर्डिंग वोडिंग का काम आएगा। और मेरे सामने पता है क्या चीज है बताओ, क्या बोल्ट की फ्रेंड हर ने, ये मेल है फीमेल, ठीक है, हिज नेम इज कैस्पर, व्हाट इज मीन कैस्पर, डर मत, ये डर रहा है बेचारा ना, कैस्पर बोको, कैस्पर बोको, कैस्पर कैस्पर, करना प्यार करना
कैस्पर कैस्पर। और इनका मील क्या होता है खाने में? कैट फूड में जैसे पेडिग्री होती है ना डॉग्स की, और क्या होता है इनका एज जनरली लाइफ? कोई डॉग जितना ज्यादा होता है। आज एक लड़के ने हमें धोखा दे दिया, ठीक है। कल हम तीन लोग थे तो आज हम दो ही लोग हैं यहाँ पे, और इसीलिए आज बोट बोट पकड़ के मैं भी साथ में काम करवा रहा हूँ, बोटिंग लग रहा हूँ। ये देखो अभी ऑलमोस्ट ये लगा लो कि 10-1.5 घंटा हो गया यहाँ पे हमें बोट लगाते लगाते, अभी भी कंप्लीट बोट नहीं हुए है। फाइनली अभी 3-4-5 बोट बचे हैं, ठीक है। हालत मेरी ख़राब हो चुकी है पूरी। फाइनली पैम्पलेट्स वगैरह लग चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ सीधे मालवीय नगर। बहुत बुरी तरह मैं थक चुका हूँ, ठीक है। काजल अभी ऊपर है, काजल जाएगी आज, ईशा भी जाएगी शायद, कल हम जाएंगे यहाँ से मतलब दिल्ली। तो फाइनली हम आ चुके हैं घर में, अभी बज रहे हैं कितने 12:30 के अराउंड, तो मैं फ्री हुआ होडिंग वोडिंग का ये सब करके। और हमारे साथ आई है देवियों की देवी ईशा देवी। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इसका, बीच बीच में गोली देते आती रहती है स्टाफ को। और ये मैडम भी वर्क फ्रॉम होम है, खाना बनाती है मेरे लिए। अभी आप बनाओगे मेरे लिए, ठीक है। तो फिर ठीक है, बहुत सारा मैं थक चुका हूँ, मतलब ये लगा लो कि गाइस कल एक लड़के ने धोखा दे दिया और उसके बदले सर आज मैंने होर्डिंग वोडिंग सारा पकड़ के लगाना ये वो, मतलब 1.5 से 2 घंटे क्या बोलूँ, मतलब मेंटली मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका हूँ ना उसके। बस फिर रूम पे आया, थोड़ा फ्रेश वगैरह हुआ, नहा के आया क्योंकि यहाँ पे पानी का वही, इसलिए हम इस रूम को छोड़ देंगे काजल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पानी का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। तो अभी पानी नहीं है ज़्यादा, इसलिए शुक्र है मैं नहा के आ गया था। चलो फिर कल जाना भी है, वीडियो का एंड करते हैं, करें वीडियो का एंड। तो ठीक है गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, हमारा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स लाइफ। सब्सक्राइब नहीं किया और हमसे जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं यूट्यूब अपना इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगा, उसमें आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Close till I get up, time is barely on our side.